हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज आपको पता है फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है और इस फेस्टिव सीज़न में अगर आप अपने को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने फेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, फेस पे निखार लाना चाहते हैं, तो मैं अर्चना आपके लिए बहुत ही ईजी, बहुत ही इफ़ेक्टिव आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपको बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस अमेजिंग फेस पैक को कैसे बनाना है और इसे कैसे अप्लाई करना है। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्चना। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपकी जो स्किन है वो मलाई जैसी स्मूथ हो जाए, मलाई जैसी आपकी स्किन जो है वो चमक उठे, तो अपने फेस पैक में, अपने जो फेस का जो केयर करते हैं आप, उसमें आप मलाई को प्लीज़ यूज़ करना शुरू कर दीजिए। इतना अच्छा आपको रिजल्ट ये देगा कि मलाई से आपके जो स्किन में जो स्किन टैन हो रही है उसे भी मलाई दूर करता है, और मलाई जो आपके स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं, डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, उसे रिपेयर करने का काम करता है। और आपके फेस पे अगर आप मलाई से अपने फेस को मसाज करना शुरू कर देंगे तो आप यकीन मानिए रिंकल्स जो हैं वो बहुत, जो उसका प्रोसेस है रिंकल्स आने का, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है सिर्फ इस मलाई से। तो आपको यहाँ पे 1 स्पून जो है वो मलाई लेना है। नेक्स्ट इसमें आपको 1 फुल स्पून आपको जो है वो जैगरी पाउडर लेना है। गुड़ में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो आपके स्किन पे ग्लो लाने के लिए बहुत हेल्प करता है, और आजकल तो मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे स्किन प्रोडक्ट आने लगे हैं जिसमें जैगरी का यूज़ किया जाता है। सोचिए इतना अच्छा रिजल्ट है तभी तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ये जैगरी जो है, ये गुड़ जो है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपके स्किन को ग्लो लाने में, आपके स्किन के जो भी स्पॉट है उसे दूर करने में, आपके स्किन को निखारने में ये गुड़ जो है बहुत ही अच्छा हेल्प करने वाला है। जैसे ये गुड़ आपके जीवन में मिठास ला देता है, वैसे ही आपके स्किन में भी ये मिठास लाने वाला है, मतलब आपके स्किन को ये हेल्दी बनाने वाला है। नेक्स्ट इसमें हमको 1 स्पून जो है मुल्तानी मिट्टी लेना है। इन सभी को आपको रोज़ वाटर से, रोज़ वाटर नहीं है तो नॉर्मल वाटर से भी आपको, बस आपको थोड़ा सा बस ये के ध्यान देना है कि जो आप अगर नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो जो आप पानी पीते हैं वो वाला यूज़ करें। ऐसा नहीं, जो होता है ना कि नहाने वहाने के लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो ना यूज़ करके आप जो पीने वाला पानी है उससे इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसे अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है और 1 मिनट के लिए आपको अपने फेस का इसका मसाज करना है। 1 मिनट के बाद, मसाज करने के बाद जो आपका पैक बच गया है उसे लेकर अपने फेस पे आप अच्छे से अप्लाई कर लें। देखिए, अगर किसी को लेमन सूट करता है तो इसमें आप हाफ लेमन भी डाल सकते हैं और अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें लेमन सूट नहीं करता है, इसलिए मैं लेमन ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका एक थिक लेयर अपने फेस पे लगा लेंगे। आप अपने नेक पे भी लगाएंगे, अपने ईयर पे भी लगाएंगे, सभी जगह लगा के इसे आपको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 10 to 15, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट्स के लिए भी छोड़ दोगे, उतने में भी अच्छा रिजल्ट दे देगा ये, इतना इफेक्टिव है। 15 मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, जैसा मैं बताती हूँ आप लोगों को, आपको वाटर लेना है। वाटर में आप कॉटन को डिप करेंगे, क्लॉथ को, कॉटन या तो क्लॉथ भी चलेगा, बस वो कॉटन का होना चाहिए। तो कॉटन या मलमल का क्लॉथ होना चाहिए जो आपके स्किन पे बहुत हार्श ना हो, उसको डिप करेंगे। इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे निकाल लेंगे और अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग को ये नोज़ पे पोर्स, नोज़ पे ब्लैक हेड्स होता है, किसी को यहाँ ब्लैक हेड्स होता है, तो जिस एरिया में आपको लगे कि आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है वहाँ थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में मसाज करके आप उसको हटाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी गंदगी है, देखिए अगर आप पैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पैक यूज़ करके डायरेक्ट आप वॉश कर देंगे वो भी सही है। मान लो आपने 4 टाइम यूज़ किया, 4 टाइम मतलब आज यूज़ किया, कल यूज़ किया, फिर नेक्स्ट डे यूज़ किया, या 2 डेज छोड़ के जैसा कंफर्टेबल है, तो आपको 2 में से 2 बार यूज़ कर लिया तो तीसरी बार आपको ये प्रोसेस करना चाहिए, जिससे क्या होता है आपने पैक लगाया है
तो पैक लगाओगे तो जो भी चीज़ें होती वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ये तो आपको पता है, जब हम लोग छोटे थे तो हमारी जो दादी लोग होती थी, हमारी नानी लोग होती थी, वो लोग क्या करते थे कि जो हमारे नेल्स जब हम नहा के आते थे तब वो हमारे नेल्स काटते थे। क्यों? क्योंकि जब हम नहाओगे तो ये सारे, ये क्या होता है, नेल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ईजिली निकल जाते हैं। सेम वैसे ही आपके स्किन के साथ भी है कि अगर आप इसे आपने छोड़ा 15 मिनट्स के लिए छोड़ा, तो जो भी, चाहे वो ब्लैक हेड्स हैं, जो वाइट हेड्स हैं, या जो भी आपके स्किन पे जो भी होता है ना डेड सेल्स वगैरह जो हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और आप जब ऐसे वाइप करते हो तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। तो आप इस तरह से वाइप करें। वाइप करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से जो है अपने फेस को वॉश कर लें, और आप देख सकते हैं आपका फेस जो है, आपका फेस भी ऐसे ही निखार देने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिले, तो प्लीज़ आप मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। मेरे पास पर्सनल बहुत आते हैं कि मैडम इसका रिजल्ट अच्छा है, तो आप लोग प्लीज़ यूट्यूब पे भी मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।